नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन पर। हमारी संस्कृति में चने का विशेष महत्व है। बिहार के सत्तू के रूप में हो, लिट्टी के अंदर हो या फिर बाटी के, डोसा की चटनी के रूप में हो, दाल की पूरी हो या महाराष्ट्र की पूरन पोली, पकौड़े हो या साधारण दाल हो, न जाने कितने प्रकार से चना हमारे खाने में आता है। और इसलिए आज की वीडियो में हम इसकी खेती और इससे संबंधित सभी प्रमुख बातों को जानेंगे। देसी चना हमारे देश में 3000 BC यानी लगभग 5000 साल पहले आया था, लेकिन सफेद चना काबुल से यानी अफगानिस्तान से 18वीं शताब्दी में भारत में बंगाल के रास्ते आया था, इसलिए इसे बंगाल चना या काबुली चना भी कहते हैं। आजकल लोग इसे डॉलर चना भी कहते हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया की पैदावार भी एक साथ मिला दी जाए तो भी हमारे देश भारत के पैदावार की बराबरी नहीं की जा सकती। मतलब पूरे विश्व का लगभग 65% चना हम ही पैदा करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान हमारे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों का है। और भारत में भी 90% से ज्यादा पैदावार 7 राज्य मिलकर दे देते हैं। ये है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। दोस्तों, चना ठंड की फसल है यानी रबी की, इसलिए इसकी बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सही मानी जाती है और 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की बुआई को देरी से या फिर पिछैती बुआई भी कहा जाता है। 15 दिसंबर के बाद उत्तर और मध्य भारत में इसे नहीं बोना चाहिए, क्योंकि फूलावस्था तक अगर किसी तरह आप पौधे को पहुंचा भी लेते हैं तो भी फसल में अधिक तापमान के कारण दाने नहीं बनेंगे, सारे फूल झड़ जाएंगे और फसल फेल हो जाएगी या फिर ना के बराबर पैदावार होगी। 15 दिसंबर के बाद सिर्फ दक्षिण भारत में इसे बोया जाता है और वह भी वहाँ के हिसाब से निकाली हुई प्रजातियों को। अब क्योंकि चना एक दलहनी फसल है, इसलिए इसकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया यानी वातावरण से नाइट्रोजन पौधे को उपलब्ध करवाने वाले जीवाणुओं को आश्रय देने की क्षमता होती है। इसलिए दलहनी फसलें अपने लिए नाइट्रोजन और कुछ अन्य तत्वों की व्यवस्था जीवाणुओं के माध्यम से खुद ही कर सकती हैं। लेकिन इस व्यवस्था को स्थापित करने में 1 महीने का समय लग जाता है, इसलिए दलहनी फसलों में शुरुआत में खेत तैयार करते समय ही आपको सारी रासायनिक खादें दे देनी चाहिए। बाद में कोई भी रासायनिक खाद दलहनी फसलों में नुकसान पहुंचाती है यदि वह मिट्टी में दी जाती है तो, क्योंकि 1 महीने बाद फसल की जड़ें और आसपास राइजोबियम और अन्य जीवाणु अपना माहौल बना लेते हैं जो बाद में दी गई रासायनिक खादों और दवाओं से बाधित होती है, जिसके कारण जीवाणुओं का सुरक्षा चक्र टूट जाता है और फसल पर विभिन्न प्रकार के तने और जड़ से संबंधित रोग लगने लगते हैं, जिसको रोकना एक तरीके से लगभग नामुमकिन ही होता है। इसलिए दोस्तों, दलहनी फसलों में सफलता का मूल मंत्र है जैविक और रासायनिक का नपातुला मिश्रण। तो आइए जानते हैं दलहनी फसलों में मेरा सीक्रेट तरीका। सबसे मुख्य है खेत की तैयारी। आपके खेत का पीएच 6.5 से 8 तक होना चाहिए। मिट्टी किसी भी प्रकार की हो चलेगी, लेकिन यदि आपकी मिट्टी भारी है तो आपको खेत को बारीक या महीन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हल्की मिट्टी है तो चल जाएगा, लेकिन मेरी सलाह माने तो यदि आप चने की खेती करने जा रहे हैं तो आप जुताई फार से यानी कल्टीवेटर से कराएं। इसकी जुताई चने के लिए सबसे उत्तम होती है, क्योंकि कल्टीवेटर गहरी जुताई करता है और मिट्टी को एकदम बारीक भी नहीं करता, और बारीक मिट्टी में हवा का संचार सीमित होता है और चने के खेत में हवा का संचार अच्छा होना बहुत ही आवश्यक है। और दूसरा कारण है कि पानी देने से मिट्टी पैक यानी ठोस नहीं होती। महीन जुताई करने पर भारी मिट्टी में मिट्टी के ठोस होने की या पैक होने की समस्या आपको पानी चलाने के बाद सामान्यतः देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों, अगर आपके यहाँ की मिट्टी का पीएच कम रहता है यानी 6 के आसपास, तो आपको डीएपी का कॉम्बिनेशन लेना है, और अगर आपके यहाँ की मिट्टी का पीएच ज्यादा यानी 8 के आसपास रहता है तो आपको SSP यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। इन दोनों में से किसी एक को आप चुन सकते हैं। पहला है डीएपी 40 किलो, यूरिया 20 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटास 10 किलो या फिर नेचुरल पोटास 30 किलो, जिप्सम 50 किलो और सागरिका दानेदार 5 किलो। यह सारी प्रति एकड़ की मात्रा है। और दूसरा कॉम्बिनेशन है सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी SSP 100 किलो, यूरिया 30 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटास या MOP 10 किलो या फिर नेचुरल पोटास 30 किलो और 5 किलो सागरिका दानेदार। इन दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन आपको लेना है। खर्चा लगभग 2200 से 2300 रुपए प्रति एकड़ तक आ जाएगा इन खादों का आपका। अब चने की खेती में दोस्तों, पहला पानी खेत की तैयारी से पहले देते हैं और जब खेत जोतने योग्य हो जाए तो जुताई के समय ही मिट्टी की सारी खादें दे देनी चाहिए। अब क्योंकि चना कई प्रकार और कई आकार के होते हैं, इसलिए इनकी बीजों की मात्रा निकालने का सटीक तरीका है इनके वजन के हिसाब से।
इसके लिए 100 दानों का वजन लिया जाता है और इसके हिसाब से प्रति एकड़ की मात्रा तय की जाती है बीजों की। यदि बीजों का वजन 20 ग्राम से कम है तो 25 किलो बीज प्रति एकड़ लगेगा, यदि 20 से 30 ग्राम तक है तो 40 किलो बीज प्रति एकड़ लगेगा, 30 से 40 ग्राम होने पर 50 किलो और 40 ग्राम के ऊपर होने पर 60 किलो बीज प्रति एकड़ आपको लगेगा। ये फार्मूला सारी प्रजातियों पर लागू होता है, लेकिन क्षेत्र, समय, मिट्टी और बुआई के तरीके के हिसाब से यह मात्रा 10% तक ऊपर नीचे हो सकती है। बीज की मात्रा के बाद आपको बीज शोधन के सभी चरणों को मानना अनिवार्य है। प्रथम चरण होगा कार्बेंडाजिम 2 ग्राम और ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम प्रति किलो की दर से बीजों पर आपको हल्के छींटे पानी के मारते हुए पाउडर को बीजों पर चिपका देना है और फिर उनको छांव में सुखा लेना है। दूसरे चरण में आपको 1 ग्राम सोडियम मोलिब्डेट प्रति किलो की दर से उसको उसी तरह छींटे मारते हुए मिला देना है और फिर से सुखा लेना है। तीसरे चरण में आपको राइजोबियम कल्चर के साथ पीएसबी कल्चर दोनों 10-10 ml प्रति किलो की दर से आपको बीजों पर लगाकर फिर से सुखा लेना है। चने की बुआई 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए, जो या तो सीड ड्रिल से संभव है या फिर प्रत्येक बीज अगर आप हाथ से लगाते हैं तभी संभव है। छिटका विधि से या छीट कर चना बोने से चना ऊपर ही रह जाता है और मिट्टी के ज्यादातर हानिकारक बैक्टीरिया मिट्टी की ऊपर की 3 इंच की परत में होते हैं, इसीलिए विल्टिंग और अन्य रोगों का प्रकोप या फिर फसल गिरने की समस्या आपको छिटका विधि में ज्यादा दिखाई देती है, इसलिए इस तरीके को सफल नहीं माना जाता। लेकिन सबसे बड़ा कारण गहराई में बुआई करने का होता है, पौधे के जड़ों को मिट्टी की दूसरी परत के नेटवर्क तक पहुंचाना। यह नेटवर्क पुरानी गहरी गई हुई मृत जड़ों और माइकोराइजल फफूंद द्वारा बनाई गई होती है, जो जीवाणुओं और खनिज पदार्थों से भरपूर होती है और इन खाली जगहों पर जड़ों को बढ़ने में भी काफी आसानी होती है और रोगों का लगने का खतरा भी बहुत कम होता है। और अगर आपने जड़ों में जैविक कल्चर से शोधित किया है तो जड़ों के आसपास अच्छे बैक्टीरिया की संख्या शुरुआत से ही ज्यादा होती है और समय के साथ ये धीरे धीरे बढ़ते चली जाती है और फिर हानिकारक बैक्टीरिया जैसे निमेटोड ये सब जड़ों की इन ग्रंथियों में नहीं आ पाते और इस जैविक तालमेल के कारण ही दलहनी फसलें कम पानी और कम खाद में भी काफी अच्छा पैदावार और किसानों को एक बढ़िया मुनाफा देने की क्षमता रखती हैं। चने की बुआई हमेशा पूरब से पश्चिम की तरफ करनी चाहिए, इससे हवा का संचार खेत में अच्छा होता है और लाइन से लाइन की दूरी देसी चने में आपको 30 सेंटीमीटर और डॉलर या बंगाल चने में आपको 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी दोनों में आप 12 से 15 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। अब देसी चने में दोस्तों निपिंग की जरूरत यानी डिसबडिंग या ऊपर के नोक को काटने की जरूरत होती है, जो आपको जमाव से 20 से 25 दिनों पर करनी होती है, लेकिन यह काम आप लिहोसिन दवा के 0.5 ml प्रति लीटर के डोज से भी कर सकते हैं स्प्रे देकर। इससे भी लंबाई रुक जाती है और चौड़ाई में वृद्धि होने लगती है, जिससे पौधों में शाखाएं बनती हैं, फूल ज्यादा लगते हैं और फल ज्यादा बनते हैं। लेकिन काबुली चने में निपिंग की जरूरत नहीं होती, यह गुड़ पौधे में खुद ही होता है। अब दोस्तों चने की खेती में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आपको बुआई से 72 घंटे के अंदर ही पेंडामेथिलीन 30% की 3 ml प्रति लीटर की मात्रा से आपको उल्टे चलते हुए स्प्रे कर देना है। यह शुरुआती 30 दिनों तक आपको काफी ज्यादा खरपतवारों से बचाव दे देता है। अब चने के जमाव के बाद यदि कहीं पौधे ज्यादा हो गए हैं तो थिनिंग करानी चाहिए, यानी अतिरिक्त पौधों को उखाड़ दें और यदि आपके पास ज्यादा खेत है तो आप उसे साग के रूप में बेचकर थिनिंग कराने की कुछ कीमत निकाल सकते हैं। दोस्तों शुरुआती 30 दिनों में ही मुख्य रोग जैसे कॉलर रॉट या तना सड़न की समस्या आपको चने में देखने को मिलती है। इससे बचाव के लिए रासायनिक उपाय और जैविक उपाय दोनों को मिलाकर देना पड़ता है, तभी यह कंट्रोल में आ सकता है, वरना जल्दी यह कंट्रोल में नहीं आता। इसके लिए आपको 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्लस 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति लीटर की दर से मिलाकर ड्रेंचिंग करना है, लेकिन ड्रेंचिंग प्रैक्टिकली खेत पर तभी संभव है अगर आपका चना लाइन में है। अगर आपका चना लाइन में नहीं है तो यही मात्रा आपको स्प्रे से देनी पड़ेगी, वो भी 2 बार 5 दिनों के अंतर पर, तब जाकर वो ड्रेंचिंग के बराबर असर करेगा। चने की फसल के दौरान अधिकतम 2 बार ही पानी दिया जाता है, वो भी दोनों चने के क्रिटिकल स्टेज पर। अब दोस्तों चने में क्रिटिकल स्टेज पहली बार वनस्पतिक वृद्धि यानी वेजिटेटिव ग्रोथ के होने के समय होती है, जो जमाव से 30 से 40 दिनों के आसपास होता है, और फूल अवस्था के बाद
दाना भरने के समय दूसरी क्रिटिकल स्टेज होती है। ये लगभग 70 से 90 दिन के आसपास होता है। कभी भी चने में फूलावस्था के दौरान पानी नहीं देना चाहिए, और ईश्वर ना करे लेकिन अगर गलती से फूलावस्था के समय बारिश हो जाती है तो फिर आपको नाइट्रोबेंजीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो बूम फ्लावर के नाम से आता है। उसका आपको 1 ml प्रति लीटर की दर से आपको स्प्रे लेना पड़ेगा। इसके अलावा एक रिसर्च में यह भी पाया गया है कि यदि आप बोरॉन 20% की 0.5 ग्राम प्रति लीटर के साथ नैनो यूरिया 2 ml प्रति लीटर की दर से फूलावस्था से पहले स्प्रे लेते हैं तो उत्पादन में आपको 20-25% तक वृद्धि देखने को मिली है। यह स्प्रे पहले पानी के बाद देने से फसल में उत्पादन काफी अच्छा होता है और बोरॉन कुछ हद तक रस चूसक कीड़ों को भी नियंत्रित करता है। हालांकि इस रिसर्च में मॉलिब्डेनम के साथ बीज शोधन भी कराया गया था, क्योंकि यह पाया गया था कि दलहनी फसलें बिना मॉलिब्डेनम के नाइट्रोजन को उतने अच्छे तरीके से नहीं ले पाती। इसलिए शुरुआत में बीज शोधन से आपको मैंने सोडियम मॉलिब्डेट का इस्तेमाल करने के लिए कहा था, क्योंकि फसल में मॉलिब्डेनम बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है। इसलिए बीज शोधन के समय इसको देना सबसे उचित तरीका है, बराबर सभी पौधों को मॉलिब्डेनम देने का। पहले पानी के बाद किसानों में दोस्तों यूरिया देने की एक आदत सी बन गई है। सभी फसलों में देते हैं तो चने में भी दे रहे हैं, लेकिन यह फॉर्मूला दलहनी फसलों पर फेल है, क्योंकि चना जब 1 महीने का हो जाता है तो उसकी जड़ों में जीवाणुओं के साथ संबंध काफी हद तक स्थापित हो गया होता है। लेकिन जैसा मैंने आपको ये पहले भी बताया है, लेकिन यूरिया सभी खादों में सबसे तेज फैलने वाला और जीवाणुओं को सबसे ज्यादा खत्म करने वाला खाद है। अगर आपने यूरिया पानी देने से पहले दे दिया तो फिर तो वह यूरिया पानी के साथ रीस कर आपके वाटर टेबल यानी पानी के स्तर तक 20 फीट नीचे भी पहुंच सकता है, और यह जहर पानी के जरिए सीधा आपके नल तक भी पहुंच सकता है। इसलिए किसी भी स्थिति में खेत में पानी देने से पहले यूरिया मत दीजिए। और दूसरा कारण है मॉलिक एसिड का कम होना। दोस्तों ये एक ऐसा एसिड होता है जो चना अपने फलियों के ऊपर या अपने पौधे के ऊपर पैदा करता है, जिससे कीड़े उसे ना खाएं। लेकिन यूरिया के ज्यादा इस्तेमाल के कारण पौधा तेजी से बढ़ने लगता है और मॉलिक एसिड पौधे को कम पड़ने लगता है बढ़ते आकार के हिसाब से। इसलिए चने में वेजिटेटिव स्टेज के समय सुंडियां या इल्लियां लगना शुरू हो जाती हैं मॉलिक एसिड के सुरक्षा चक्र के अभाव में। चने में दोस्तों कीटनाशक का प्रयोग भी दोनों क्रिटिकल स्टेज पर ही होता है, लेकिन अगर आप मेरी बताई गई हुई अब तक की बातों को मानेंगे तो आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर पड़ती है तो इसके लिए आप सबसे पहले इमामेक्टिन बेंजोएट 5 ग्राम प्रति 15 लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। यदि इससे काम ना चले तो आप कोराजन 0.5 ml प्रति लीटर की दर से भी स्प्रे ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इंडोक्सा कार्ब 1 ml प्रति लीटर की दवा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैविक तरीकों के लिए दोस्तों कई लोग गेंदे के पौधे बीच में कुछ कुछ लगा देते हैं, इससे भी सुंडियां केंद्रित हो जाती हैं गेंदे के पौधे पर, और केवल गेंदे के पौधे पर स्प्रे कर आप सुंडियों की समस्या से निजात पा सकते हैं। कई जैविक तरीकों में नीम के तेल का 5% का घोल भी अगर प्रति हफ्ते एक बार इस्तेमाल किया जाए तो भी सुंडियों की समस्या काफी कम देखने को मिलती है। और अंत में दोस्तों चने की खेती की 10 महत्वपूर्ण बातें जिससे आप चने की खेती में सफल हो सकते हैं उस पे हम एक बार फिर से ध्यान दे देते हैं। पहला, खेत में नमी कर लें यानी पानी भरकर खेत को सुखाएं अपने हिसाब से। दूसरा, खेत की फार यानी कल्टीवेटर से जुताई के समय ही सारी रासायनिक खाद दे देनी है, बाद में कोई भी मिट्टी की खाद चने की खेती में नहीं प्रयोग करनी है। तीसरा, बीज शोधन के सभी चरणों को मानना अनिवार्य है, क्योंकि बाद में इसकी भरपाई किसी भी दवा हार्मोन या जैविक कल्चर से नहीं की जा सकती। और चौथा है, बुआई सीड ड्रिल या हाथ से गहराई में ही करवाएं। पांचवा, बुआई के 72 घंटों के अंदर पेंडामेथिलिन का इस्तेमाल जरूर करें। छठा, जमाव से 30 दिनों के अंदर फफूंदी नाशक का स्प्रे या ड्रेंचिंग जरूर ले लें, रोग आने का इंतजार बिल्कुल ना करें। सातवां पॉइंट है, पानी सिर्फ आपको दोनों क्रिटिकल स्टेजों पर ही देना है। आठवां है, पहले पानी के बाद नैनो यूरिया के साथ बोरॉन का स्प्रे जरूर लें। उसके 5 दिन बाद कीटनाशक का स्प्रे आप फसल में कीट लगे हैं कि नहीं लगे हैं ये देखकर कर सकते हैं। और नौवां है, दूसरे पानी के बाद 0-52-34 का स्प्रे 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से ले सकते हैं भरपूर पैदावार के लिए। और दसवीं और सबसे जरूरी बात, फलियों के छिलके के पूरे कड़े होने से पहले कटाई करा लें, अन्यथा फसल आधी खेत में ही झड़ जाएगी। कुछ छूट गया हो दोस्तों या आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में या मेरे फेसबुक पेज पर मुझसे पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कृपया सब्सक्राइब, लाइक और दूसरों तक मेरी वीडियो पहुंचाकर आप भी मेरे इस प्रयास में मेरा साथ दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।